जनाधिकार पार्टी ने किसान मजदूर रोजगार यात्रा के कार्यक्रमों की घोषणा की है। आपको बता दें कि किसानों की मांगों के समर्थन में जनाधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने पार्टी के भावी कार्यक्रमों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आगामी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर पार्टी के छात्र युवा एवं किसान परिषद के सभी कार्यकर्ता देशव्यापी कार्यक्रम के तहत पटना में राजभवन मार्च करेंगे। साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को झंडोत्तोलन के बाद सभी जिला मुख्यालय में ट्रैक्टर जुलूस निकाला जाएगा। वे मंदिर स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए राघवेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सभी संगठनों की बारी बारी से बैठक कर समीक्षा की जाएगी तथा किसान मजदूर रोजगार यात्रा में उनकी ओर से पूरी ताकत लगाई जाएगी। आगामी 14 जनवरी को समस्तीपुर, 15 को औरंगाबाद एवं 16 को गया में किसान मजदूर रोजगार महासभा का आयोजन किया जाएगा। इन सभी कार्यक्रमों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी की राज्य कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 18 उपाध्यक्ष, 44 महासचिव, 74 सचिव सहित 23 कार्य समिति के सदस्य मनोनीत किए गए हैं। इसके साथ ही शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पटना साइंस कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर अभय कुमार तथा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता धनंजय पांडे को मनोनीत किया गया है। तिथि के अवसर पर किसानों के राष्ट्रीय समन्वय समिति ने यह तय किया है कि पूरे देश के सभी राज्यों के राज्यपाल का घेराव करेंगे 23 जनवरी को। इसी क्रम में बिहार में भी हमारी पार्टी अपने छात्र परिषद के साथियों के द्वारा, युवा परिषद के साथियों के द्वारा और किसान परिषद के साथियों के द्वारा बिहार के राज्यपाल का घेराव हम लोग करेंगे। राष्ट्रीय किसान आंदोलन की समन्वय समिति ने यह भी तय किया है कि 26 जनवरी को झंडोत्तोलन के बाद पूरे देश में प्रत्येक जिला मुख्यालयों में किसान लोग और हमारे समर्थक लोग ट्रैक्टर जुलूस निकालेंगे। इसी क्रम में बिहार के भी तमाम जिला मुख्यालयों पर ट्रैक्टर जुलूस निकाला जाएगा। ये कार्यक्रम तो हो गया, साथ ही साथ हमारे नेता और हमारी पार्टी की ओर से किसानों के अंदर में किसान के इस एक्ट के खिलाफ में, कृषि बिल के खिलाफ में जागरूकता पैदा करने के लिए हमारी पार्टी की ओर से किसान मजदूर रोजगार यात्रा निकाली गई हुई है, जिसकी शुरुआत जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से शुरू हुआ। और हम लोगों ने जगदीशपुर को इसलिए भी चुना था कि 1857 में सबसे पहले बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ में आजादी की लड़ाई का बिगुल फूका था और जगदीशपुर से उस कार्यक्रम को शुरू किया था। तो वहीं से, उसी धरती से हम लोगों ने किसान मजदूर रोजगार यात्रा की शुरुआत की और वहां से सभा करके हमारे नेता पप्पू यादव जी ने आजादी की दूसरी लड़ाई जो देश के हुक्मरानों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोगों ने शुरू किया। अब हमारा अगला कार्यक्रम 14 जनवरी को समस्तीपुर में होगा, 15 जनवरी को औरंगाबाद में होगा और 16 जनवरी को गया में होने जा रहा है। और इन तीन जिलों में जो हमारा किसान मजदूर रोजगार सभा जो होगा, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के अतिरिक्त हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रेमचंद जी भी रहेंगे, आदरणीय राजेश पप्पू जी भी रहेंगे। इसके साथ साथ हमारे पार्टी के तमाम पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रीगण भी उपस्थित रहेंगे।